यहाँ पे कोई भी खाना खाए वो बिल देगा, खाने के बाद उसका दिल खुश होगा, कहीं और बिल देगा तो वो समझो बढ़ गया। जियो। तो दोस्तों ये है कराची की बेहतरीन बारबेक्यू प्लेटर, जिसमें एक दो तीन या चार नहीं बल्कि पूरे आठ अलग अलग किस्म के बारबेक्यूज ऐड किए जाते हैं। इस खास बारबेक्यू प्लेटर में सबसे पहले ऐड किए जाते हैं गर्मा गर्म और मजेदार काबुली पुलाव, जिसका खुद का ही जायका बहुत जबरदस्त होता है, और फिर उसके ऊपर आते हैं मलाई बोटी, चिकन बोटी, अफगानी बोटी, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिहारी कबाब, रेशमी कबाब और तुर्की कबाब, और एंड में टॉपिंग आ जाती है ग्रिल्ड वेजिटेबल और मजेदार क्रीम की। इतने सारे डिफरेंट बारबेक्यू से तैयार हुई ये जो खास प्लेटर है ये आपको मिलती है जनान रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर इस बारबेक्यू प्लेटर को लेने पर हमारे व्यूवर्स को मिलेगा बहुत स्पेशल सा डिस्काउंट भी। तो इस रेस्टोरेंट की लोकेशन, कॉन्टेक्ट नंबर और इसकी प्राइस जानिए आगे वीडियो में, क्योंकि इस खास बारबेक्यू प्लेटर को खाना तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आपने इतनी बड़ी जंबो साइज की बारबेक्यू राइस प्लेटर देखी है, इसमें आपको एक दो तीन या चार नहीं बल्कि पूरे आठ अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर के बारबेक्यूज मिलते हैं, साथ में अफगानी राइस। मतलब इतने बड़े साइज की जो प्लेटर है, अगर आप किसी और रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पर ये आपको 5 से 5,500 की मिलेगी, लेकिन जनान रेस्टोरेंट में खास तौर पे हमारे लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छी सी एक डिस्काउंट ऑफर दी है, जो कि सिर्फ 2 हफ्ते के लिए है। तो मतलब 2 हफ्ते में आपको ये जो प्लेटर मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 2800 रुपये में मिलने वाली है। मतलब इतनी सस्ती प्लेटर आपको कराची के किसी भी रेस्टोरेंट में मिलेगी, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा फ्लेवर होते हैं और काफी साइज में भी बहुत बड़ी है। तो फिर आओ मेरे साथ और लूट लो इसको। तो दोस्तों अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूं, बहुत ही आसान और इजी लोकेशन है इसकी। जो आप सामने रोड देख रहे हैं ये स्टेडियम डालमिया वाला रोड है, सामने मिलेनियम मॉल है, उससे से थोड़ा आगे साइमा मॉल, और उसके सामने बिल्कुल न्यू जो एक मॉल बना है जिसका नाम है स्क्वायर वन मॉल। स्क्वायर वन मॉल के बिल्कुल सामने आपको ये रेस्टोरेंट नजर आएगा जिसका नाम है जनान। वेलकम टू जनान। तो दोस्तों मैं जनान रेस्टोरेंट में एंटर हो चुका हूँ। जो इनका सिटिंग एरिया है वो इन्होंने काफी अच्छा सा बनाया है, जेंट्स के लिए एक अलग सेपरेट तख्त और गौ तकिए के साथ अच्छी सी सिटिंग रखी गई है। उसके अलावा फैमिली के लिए भी काफी अच्छा बड़ा सिटिंग एरिया है, मतलब अगर लोगों का यहाँ पर रश होता है तो लोग इजीली यहाँ पर कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, इतना वेट नहीं करना पड़ेगा उनको अपनी सिटिंग के लिए। और ये हम आपको मेन्यू कार्ड दिया चुका है जनान का, तो इसमें जो इन्होंने खास तौर पर जो इनके पास आइटम मौजूद है, जिसमें कढ़ाई भी आपको मिल जाएगी हर किस्म की, साथ में हांडीज हर किस्म की मिल जाएगी, बारबेक्यू चपली कबाब वगैरह सब मिलेंगे। खास तौर पर जो इनकी कढ़ाई है वो मटन और दुम्बे की बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और खास तौर पर इनके बारबेक्यू में जो आइटम पसंद करे जाते हैं उसमें चिकन अंगारा मौजूद होता है, और उसके अलावा मटन रिब्स मौजूद है, नमकीन चाप मौजूद है, और जो हम खास तौर पर इधर आए हैं इनकी खास एक स्पेशल बारबेक्यू मिक्स प्लेटर खाने के लिए, उसमें आपको मिलते हैं 8 अलग अलग फ्लेवर के बारबेक्यू, जिसमें आपको मिलेगी चिकन बोटी, मलाई बोटी, अफगानी बोटी, उसके अलावा बिहारी बोटी, साथ में मिलते हैं रेशमी कबाब, चंदन कबाब, सीख कबाब और एक टिक्का, और उसको अफगानी राइस के साथ सर्व करा जाता है। इतने सारे आइटम के साथ ये जो इतनी स्पेशल मिक्स प्लेटर तैयार हो रही है, इसकी अगर आप ओरिजिनल प्राइस पर जाएंगे तो आपको 5,000 से भी ज़्यादा की मिलेगी, लेकिन जनान रेस्टोरेंट खास तौर पर हमारे व्यूवर्स के लिए दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2800 रुपये में। तो चले इसका ऑर्डर देते हैं और आपको बताते हैं ये किस तरह से तैयार की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कौन सी कढ़ाई बना रहे हो? ये बनेगा शिनवाली कढ़ाई। शिनवाली कढ़ाई और वो जनान पे? जी जनान होटल। अच्छा, कितने टाइम से आप काम कर रहे हो? ये कम से कम हो गए 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कढ़ाई का टेस्ट कैसे है? बाकी लाजवाब है। कितनी किस्म की कढ़ाइयाँ होती हैं आप लोग? 14-15 किस्म का कढ़ाई होता है। अच्छा, व्हाइट कढ़ाई होते, ब्राउन कढ़ाई होते, शिवाली होते, रेगुलर होते, और वो पंचारी कढ़ाई होते, कोयला कढ़ाई होते, हर किस्म का। सबसे अच्छी कढ़ाई आपका क्या कहना है कि मटन में बनती है या बीफ में? ये मटन में बनती है। मटन में, मटन में सबसे अच्छी कौन सी कढ़ाई होती है? सबसे अच्छा शिवाली होते, शिवाली कढ़ाई। शिवाली कढ़ाई। अच्छा, इसका बकरे का वजन कितना है? इसका वजन है 10 kg। 10 kg? 10 kg। नॉर्मल बकरा 10 kg होता है, वैसे मर्जी का भी 12। अगर मुझे एक बात बताएं, मैं ऑर्डर करता हूं अपनी फैमिली के लिए, कितने टाइम पहले ऑर्डर करना पड़ेगा? ये आप एक दिन पहले ऑर्डर करोगे ना तो इसको हम एक दिन मरीनेशन में छोड़ दें। ठीक है, दूसरे दिन फिर जो टाइम होता है उस टाइम पे हम दे देते हैं। सही है, मतलब एक दिन लगता है पूरा 24 घंटे? हाँ, मरीनेशन में छोड़ते हैं ना, वो अच्छा होता है। सही है, तो दूसरे दिन हम फिर ये ऑर्डर दे देते हैं।
ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या 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 जाएगा? इसके साथ जाएगी राइस जाएगी और इसका जो पुलाव होते हैं, अंडे होते हैं, पिस्ता बदाम। कितने बंदों के लिए है ये? 10-12 बंदे। 10-12 बंदे खा लेंगे? 10-12 मतलब जो अच्छे खाने वाले हैं वो खा लेंगे या मतलब नॉर्मल खाने वाले? अच्छे खाने वाले। अच्छे खाने वाले। 15-18 अच्छा, इसके अलावा कौन कौन सा आपके पास खाना होता है? हमारे पास नमकीन में चांप होती है, रिब्स होती है, साबत रिब्स होते हैं ना। अच्छा, ये जो लगा हुआ है। तो इसको कौन लोग पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा आपके पास? हमारे पास जो है ना ज़्यादातर तो ये पठान लोग पसंद करते हैं। पठान लोग नमकीन खाना पसंद करते हैं, उनका फेवरेट जाते हैं, रिब्स आ जाते हैं, नमकीन, ये जनान का स्पेशल है। मतलब जनान पे जो आते हैं वो सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या है आपका? हमारा जो रिब्स है, मटन, नमकीन, चांप वगैरह, ये स्पेशल में आते हैं। स्पेशल है बकरा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? शहबाज अली। शहबाज अली भाई, आप ये बताएं ये क्या बना रहे हैं आप? अगवानी बोटी। अगवानी बोटी में क्या क्या ऐड होता है, ये बीच में क्या है इसके सेंटर में? ये रवाज है, चर्बी के लिए। ये रवाज है। अच्छा, ये रवाज लाजमी होता है डालना? जी। इसके बगैर नहीं बन सकती? बन जाती है, लेकिन ये एक इससे लुक आ जाता है, इसमें टेस्ट नहीं आएगा, जायका नहीं आएगा जी, कस्टमर पसंद भी करता है। अच्छा, ये अगवानी बोटी सबसे ज़्यादा कौन पसंद करते हैं कराची में? ये पठान लोग। पठानों में, पठानों में सबसे ज़्यादा अच्छी ये डिश है जी। ठीक है। अच्छा, ये कितने टाइम में, मतलब कितने टाइम फ्रेम में ये तैयार हो जाती है? ये 15-20 मिनट में रेडी हो जाती है। 15-20 मिनट में रेडी हो जाती है। चलें ठीक है, इसका टेस्ट हम देखेंगे किस तरह का होता है। जी जी। तो दोस्तों, इस समय ऐसा मौजूद है जनान रेस्टोरेंट के ओनर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, आपका नाम क्या है? एहसान अफरीदी। एहसान अफरीदी भाई, मुझे आप बताओ कि जो आपका रेस्टोरेंट है जनान जी, इसका मैंने काफी सारा नाम सुना है, इसको ओपन हुआ कितना टाइम हो गया? यार इसको हो गया तकरीबन 4 साल। 4 साल। अच्छा, इसकी कोई ब्रांच है? नहीं, इसकी कोई और ब्रांच। ठीक है, एक ही आपको ब्रांच मिलेगी कराची में, जो डालमिया रोड है उधर ही मैंने आपको लोकेशन बताई है। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आपके पास जो आइटम है, तकरीबन सभी आइटम आपके पास मौजूद है, हमने चेक करा, मेन्यू में भी देखा, लेकिन जो मोस्ट फेमस है, लोग दूर दूर से आपके पास खाने आते हैं, वो कौन सा है? सर, हमारे पास रिब्स हैं, स्पेशलिटी जो है हमारी कढ़ाई की है। अच्छा। हाँ, कढ़ाई के लिए भी काफी लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, और इसके अलावा रिब्स जो है हमारी बहुत मशहूर है। अच्छा जी जी। अच्छा, अभी हम इधर आए तो काफी लोग आए हुए हैं इधर आपके पास, और काफी ज्यादा रश है, ज्यादा लोगों ने एक बहुत अच्छी पार्टी करी है सालन बकरे की भी, तो वो भी यहाँ पे मौजूद होता है? वो भी मौजूद होता है, और वो उसके लिए भी काफी लोग आते हैं हमारे पास दूर दूर से। अच्छा, आप मुझे बताएं, अगर कोई सालन बकरा यहाँ पे ऑर्डर करना चाहते हैं तो किस तरह से देगा? कोई टाइम पीरियड है, पहले बोलना पड़ेगा? यार टाइम पीरियड ये है कि एक दिन पहले, या एक दिन पहले नहीं तो कम से कम 6 घंटे पहले ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, 6 घंटे में फिर आप ये तैयार करके दे देंगे, जो कि राइस के साथ तैयार किया जी जी। अच्छा भाई, आप मुझे और हमारे व्यूवर्स को फिर से अपनी लोकेशन बता दें, रेस्टोरेंट के लोग कैसे आएंगे आपके पास? सर, लोकेशन ये डालमिया रोड है, और मशहूर जो है ये सामने मिलेनियम मॉल है, साइमा मॉल है, इसके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल जमाल पे, बिल्कुल सामने मौजूद है गुलशन जमाल पे। उसके अलावा जो इनकी लोकेशन का एड्रेस है, लोकेशन का लिंक है, और कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपको इजीली इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ताकि आप लोग इधर आ सके। इसके अलावा ऑनलाइन ऑर्डर मौजूद है? ऑनलाइन, ऑनलाइन भी डिलीवरी करके इजीली मंगवा सकते हैं इनके खानों को। तो दोस्तों, हमारा गर्मा गर्म सा जनान रेस्टोरेंट का स्पेशल प्लेटर आ चुका है। जैसा कि आपने इसकी तैयारी देखी कि इसमें इन्होंने डिफरेंट फ्लेवर वाले 8 अलग अलग किस्म के बारबेक्यू ऐड करे, तो स्पेशल देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, और इतने सारे अलग अलग फ्लेवर वाले बारबेक्यू की खुशबू वो बहुत जबरदस्त लग रही है। तो बिना रुके मैं टेस्ट करता हूँ, आपको बताऊंगा मुझे इसका जायका कैसा लगा। तो सबसे पहले टेस्ट करूंगा जो इनके रेशमी कबाब है, उसके साथ इनके राइस के फ्लेवर को। तो बिस्मिल्लाह पानी है इनके साथ। सबसे पहले तो इनके अफगानी राइस का फ्लेवर इतना जबरदस्त और आर्ट क्लास किस्म का है ना, जब आप उसकी पहली बाइट लेंगे तो इतने जबरदस्त आपको लगेंगे, और उसके बाद जब आप इसको इस रेशमी सीख कबाब के साथ खाएंगे तो मज़ा आपका दोबारा होने वाला है, क्योंकि इतने जबरदस्त किस्म के ये रेशमी कबाब है। चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा है, स्पाइसिस बहुत कम है, और क्रीमी से टेक्स्चर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे यहाँ के रेशमी कबाब तो बहुत अच्छे लगे। अब मैं टेस्ट करता हूँ जो स्पेशल बिहारी बोटी है उसके साथ। अच्छा, बिहारी बोटी हमें ये बीफ की दी जाती है अफगानी राइस के साथ, देखते हैं इसका फ्लेवर कैसा बनता है। बिस्मिल्लाह पानी है। बहुत ही सुपर हिट किस्म का फ्लेवर इन
बिहारी कबाब का जो कि हमें मिलते हैं जनान पे। देखो जो मीट है वो बहुत अच्छा सा जूसी और टेंडर सा है, और जितने भी इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, हल्का सा स्पाइसी है लेकिन इस राइस के साथ मिलके बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कर रहा है और बहुत अच्छा जायका दे रहा है। उसके अलावा इनकी अफगानी बोटी है वो बहुत अच्छी है, स्पाइसी टिक्का बोटी जो है इनकी चिकन की वो बहुत अच्छी है, और जो फूल इन्होंने चेस्ट से जो टिक्का दिया उसका फ्लेवर भी इन सभी के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल इस बारबेक्यू स्पेशल प्लेटर में राइस के साथ हमें जितने भी अलग अलग किस्म के बारबेक्यू दिए जाते हैं उनका सभी का फ्लेवर अलग अलग किस्म का है। जब आप इसको खाएंगे तो हर बाइट में आपको बिल्कुल अलग फ्लेवर मिलेगा, अलग मजा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ इतने कम प्राइस में जो आपको ये स्पेशल जनान रेस्टोरेंट प्लेटर दे रहे हैं ये बेस्ट है। तो फिर इसी साथ मेरा आज के व्लॉग एंड करते हैं, इस शाम के नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।